So my dear students, I welcome you all. Now we are going to solve this problem of simple harmonic sheets. And in this sheet one, there is a question that equation y is equal to 2a cos square omega t and y is equal to a sin omega t plus root 3 times cos omega t represent the motion of two particles. दो particles का जो motion है that is displacement in terms of ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ए लिखा हुआ है और इसमें हमको ये बताना है कि क्या ये दोनों एस एच एम हैं या नहीं, एक है या दोनों हैं. दूसरा, अगर हैं तो इनकी जो रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड है उसके दो ऑप्शन दे रखें, 2:1 एंड 1:1. और चौथा ऑप्शन है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 1:4. तो हमें बेसिकली इन कॉम्बिनेशन में एक सेलेक्ट करना है. अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे रखे हों ये तो ओके. तो हम इनको क्या करते हैं, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन के जरिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं ओके. तो सबसे पहला है 2a cos square omega t. यहाँ पर स्क्वायर टर्म्स आ रही है, स्क्वायर टर्म्स को अगर हम हटाने की कोशिश करें तो हमको ये पता लगता है कि cos square 2 cos square theta होता है 1 plus cos 2 theta के. ओके, आई होप कि आपको ये फार्मूला पहले से याद होगा. तो देखिए 2 cos square omega t, इस y को मैं बच्चों कैसे लिख दूंगा, y इज इक्वल टू 2 तो इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, a बाहर खड़ा कर देंगे, 1 plus cos 2 omega t. आई होप कि आपके समझ में आ गया ये. अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई बात नहीं करी है हमसे, ये एस एच एम तो है ये क्योंकि कॉस ओमेगा टी आ गया, हमसे मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात करिए. तो हम स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं. तो स्पीड किसके बराबर होती है बच्चों, वाई वी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होती है ओके. तो ए को यहां पर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, प्लस ए को जब यहां पर लेंगे तो टू ओमेगा ए और कॉस का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है बच्चों, साइन 2 ओमेगा टी. लेकिन फिर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस भी आ जाएगा ओके. तो जो वेलोसिटी आई हमारे पास वो कितनी आई, माइनस 2 ओमेगा टाइम्स ए मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 ओमेगा टी. आई होप कि आपके समझ में आ गया. तो वेलोसिटी आ चुकी है, तो बच्चों यहां पर भी हम वेलोसिटी निकाल के देखते हैं दूसरे पार्टिकल की. इसमें यहां पर देखिए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दो टर्म्स में दे रखा है. तो अगर आपकी थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी इस तरीके से लिखा हो और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है तो यहाँ भी कुछ लगाने की कोशिश करिए. तो साइन और कॉस रूट थ्री में तो आते नहीं है, रूट थ्री बाई टू में जरूर आते हैं, टेन और कॉट आते हैं रूट थ्री में. तो जो सिंपल एंगल आमतौर से क्वेश्चन में सिंपल एंगल ही पूछा जाता है, तो रूट थ्री बाई टू अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ बच्चों तो मुझे यहाँ पर भी टू लगाना पड़ेगा और एक टू मुझे बाहर लिखना पड़ेगा ठीक है. तो इसको मैंने देखिए पहले ये कुछ और था, यहां पर मैंने टू लगाकर मैनिपुलेट कर दिया. तो इससे ये मुझे कैसा दिखने लगेगा ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू टू ए सॉरी साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइडेड बाई 1/2 प्लस रूट 3/2 कॉस ओमेगा टी. आई होप कि आपके समझ में आ गया. देखिए इसकी शक्ल ही बदल गई, साइन थीटा. अब यहां पर मैं बेसिकली कॉस ले लूं तो कॉस पाई बाई थ्री होता है, टू ए क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस. कॉस का कौन सा एंगल का रेशियो 1/2 के बराबर होता है, 60 का. तो पाई बाई थ्री लिख लूं, पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू हाफ होता है, प्लस यहां पर साइन का कौन सा रेशियो रूट 3/2 के बराबर होता है, एक मिनट पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री आएगा यहां पर ओके. ये किसके बराबर होता है, साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री और कॉस ओमेगा टी. अब ध्यान से देखिएगा मैं इसके नीचे लिख रहा हूं साइन ए, अच्छा ए यहां पर यूज हो चुका है तो मैं यहां पर साइन पी कॉस क्यू प्लस साइन क्यू कॉस पी. अब बच्चों आप किसके बराबर लिख देते हो, ये साइन पी प्लस क्यू के बराबर लिख देते हो या नहीं लिख देते हो,
क्योंकि बीच में ये आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई थ्री, स्क्वायर गायब हो गया है ना, बल्कि अब तो ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है इसकी, तो क्या आ गया बच्चों 2a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई थ्री, क्या बात क्लियर है। यहां पर भी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डी वाई बाई डी टी के बराबर होगी, किसके बराबर आ जाएगा 2a ओमेगा, 2a ओमेगा, और फिर यहां पर आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, दिस इज द वेलोसिटी। नाउ हियर यू कैन सी दैट द इन इन द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल v इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा ए, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और याद रखिए जो SHM होता है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो इसका बेसिकली क्या बोलेगा, हम माइनस प्लस बोलेंगे, पहले माइनस, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग माइनस से शुरू हुआ, ये बात समझ आ रही है इसकी वेलोसिटी, तो ये बेसिकली इसकी क्या चीज है, वी मैक्स है, तो वी मैक्स किसी टाइम पर प्लस भी तो होगी, प्लस टू ओमेगा भी तो होगी, बात समझ आ रही है, और ये भी इसकी बेसिकली वी मैक्स है, यहां पर भी क्या चीज है, वी मैक्स है, तो ये क्या चीज है, 2a ओमेगा है ना, ये तो है ही प्लस, तो ये भी माइनस होगी किसी टाइम पर जाके, ये भी माइनस होगी, तो ये बेसिकली क्या है, प्लस माइनस है यहां पर इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, बात समझ में, और यहां पर क्या है, माइनस प्लस है, बहरहाल दोनों की प्लस वेलोसिटीज, दोनों की पॉजिटिव वेलोसिटीज का रेशियो किसके बराबर है, वी मैक्स ऑफ पार्टिकल वन अपॉन वी मैक्स ऑफ पार्टिकल टू किसके बराबर है, वन अपॉन वन के बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर सी हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नाउ ये सी तो बेसिकली करेक्ट आंसर हो गया, अब देखिए एक चीज और पूछिए, द रेशियो, एक चीज और इसमें दे रखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखना है, कैसे देखें, तो आप इसका एक्सेलरेशन भी निकाल के देख लो, अभी आपके समझ में आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा बच्चों ऊपर मिटा दूं है ना, ध्यान से देख लेना है ना, ये बस ये छोड़ देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं, मुझे तो किससे जरूर, किससे काम है, इससे काम, इस वाली इक्वेशन से काम, ठीक है, ओके। तो पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इतनी है, एक बार हम एक्सेलरेशन अगर पहले पार्टिकल का निकालना है तो हमको क्या करना है, डीवी बाई डी टी करना है, ये किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखना, साइन का तो कॉस हो जाएगा, यहां पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, टू ओमेगा ए इंटू टू ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, फोर ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आई होप कि आपके समझ में आ रहा है, ओके। नाउ ये तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है, और साइन का यहां पर आपके आप क्या हो जाना है, एक मिनट, माइनस तो माइनस ही रहेगा, साइन का कॉस होता है तो ये माइनस ही रहेगा, कॉस टू ओमेगा टी, ओके। ये तो पहले पार्टिकल का आया एक्सेलरेशन, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन भी माइनस और प्लस दोनों होता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, टू ए ओमेगा, तो यहां पर अगर एक्सेलरेशन निकालें दूसरे वाले पार्टिकल का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर लें, कॉस का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन, कॉस का किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस हमने पहले लगा दिया, टू ए ओमेगा इंटू ओमेगा, टू ए ओमेगा स्क्वायर, बात समझ में आई, यहां पर क्या आया, टू ए ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो आप देखेंगे जो एक्सेलरेशन का रेशियो है, 4a ओमेगा स्क्वायर 2a ओमेगा स्क्वायर, तो वो कितना है, 2:1 है, आई होप कि आपके समझ में आ रहा है, और यहां पर क्या लिखा है, 1:4 लिखा है, तो एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन वाला जो ऑप्शन है वो वैलिड नहीं है, अलबत्ता जो रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड का ऑप्शन है 1:1 वाला, वो वैलिड है। थैंक यू वेरी मच, ओके बच्चों नोट कर लीजिए इसको।